पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा सॉस पैन जिसमें हम लेंगे एक कप पानी, ये 250 ml पानी है। इसे हम एक छोटा चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे और इसे बॉयल करेंगे। इसे हमें 2 मिनट तक बॉयल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसे इसी तरह से, देखिए फ्रेंड्स बॉयल आ चुका है। अब हम इसे छान लेंगे एक बाउल में। चाय की पानी जो है वो गर्म है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये मिक्स फ्रूट जैम जो कि आधे कप के मेज़रमेंट से मैंने लिया है और ये हार्ड है थोड़ा सा। जैसे ये गर्म पानी में जाएगा ये अच्छी तरह से घुल जाएगा, इसीलिए इसे हमें गर्म पानी में ही मिक्स करना है। और जिस कप से हमने जैम लिया है फ्रेंड्स उसी कप से हम आधा कप चीनी का पाउडर लेंगे जिसे कि मैंने मिक्सर में पीस लिया है और क्योंकि ये अच्छी तरह से मिल जाता है। अब फ्रेंड्स हम इसमें उसी कप से लेंगे वेजिटेबल ऑयल जिससे हमने जैम लिया है, तो वो भी आधा कप है। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1.5 कप हम लेंगे मैदा। देखिए फ्रेंड्स बड़े वाले कप से हमने मेज़र किया है जिससे हमने पानी लिया था, और इसमें हम 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को मिला के हम छान लेंगे। छानना बिल्कुल ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है और इसे हमें छान लेना है। अब हम भगोने में नमक डाल देंगे। ये नमक मैंने कई बार इस्तेमाल किया है और उसमें स्टैंड डाल देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे प्री हीट होने देंगे धीमे आँच पर। अब फ्रेंड्स हम एक केक टिन लेंगे और उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल स्प्रेड कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे मैदा ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये कर देने से हमें बटर पेपर की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हमें चारों तरफ अच्छे से कोट करना है ताकि जब हम केक का बैटर डालें और केक पके तो जले नहीं, इसलिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। अब हम अपना जो लिक्विड इंग्रेडिएंट है उसे फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके जो छने हुए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उसे उसमें मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें उसमें डालना है, एक बार बिल्कुल नहीं डालेंगे और बहुत तेज़ी से हमें इसे बिल्कुल नहीं मिक्स करना है, नहीं तो हमारे केक फट जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें इसे कट एंड फोल्ड का प्रोसेस जो है फॉलो करना है यहाँ पे, और इस तरह से इसे मिक्स करना है। इसकी पहचान ये होगी फ्रेंड्स कि जब ही इसमें रिबन की कंसिस्टेंसी आनी लगेगी, यानी कि ये रेडी हो चुका है, तो बीच बीच में आप चेक करते रहेंगे उससे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें एक्स्ट्रा लिक्विड नहीं डाला है, मतलब कि जो पानी हमने ऐड किया वही था। तो देखिए इस तरह से ये रिबन टाइप से बनने लगा है, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो वही थोड़ा सा कट एंड फोल्ड वाले मेथड को हमें फॉलो करना है और इसे बहुत हार्डली नहीं चलाना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जब ये गिरने लगे तो यानी कि केक का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। हम इसे टीन में पोर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये रिबन की तरह बिल्कुल गिर रहा है, तो यानी कि ये जो केक बनता है ना ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पंजी होता है। टैप करेंगे हम इसे और हम इसे रख देंगे, इसे ढक के हम शुरू के 5 मिनट फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे और एक बार चेक करेंगे कितना बढ़िया राइज हुआ है ना। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से ये। अब फिर हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट तक हम इसे बेक करना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं बीच में। तो हमने टूथपिक को डाला, ये क्लीन नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो बैटर है वो लग रहा है, तो इसे अभी हमें थोड़ा सा और पकाना है। मीन्स कि 5 मिनट एकदम लो फ्लेम पे हम इसे पकने देना है और उसके बाद हम फिर एक बार चेक करते हैं। तो देखिए इस तरह से टूथपिक जो है एकदम क्लीन है, यानी कि केक जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, ना हमने मिल्क मेड यूज़ किया ना बटर यूज़ किया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर जो है वो स्प्रेड कर देंगे ताकि ये जो है ना मॉइस्ट रहता है।
और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बिना ठंडा हुए इसे डीमोल्ड बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब हम इसे एक चक्कू की सहायता से साइड्स को छुड़ा लेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब ये प्रोसेस को हम करेंगे फ्रेंड्स, और तब जो है केक आसानी से बाहर आ जाता है, टूटता बिल्कुल नहीं है। तो इस केक बनाने में हमें कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, और ये बहुत ही फ्लफी बन के रेडी हुआ है। हमने दही भी यूज़ नहीं किया है, मिल्क मेड भी नहीं यूज़ किया है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, और ये काफ़ी डिलीशियस लगता है खाने में। आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा इसे। और ये इसका फ्लफीनेस मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स। और रेडी हो चुका है ये हमारा स्पॉन्ज। तो अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।